Hey guys, welcome to Modern Kitchen. मैं हूँ आस्था. आज हम बना रहे हैं थोड़े से स्पाइसी और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पिनव्हील समोसे. पिनव्हील समोसे बहुत ही अच्छे टी टाइम स्नैक हैं. आप इनको एक बार घर में ज़रूर ट्राई करिए. तो चलिए फिर शुरू करते हैं. पिनव्हील समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार कर लेंगे. इसके लिए मैंने 2 कप मैदा ली है. इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 2.5 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे. मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को. इसका डो बनाते हुए हमें ये ध्यान रखना है ऑयल की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि ये इस तरह से होल शेप में आ जाए. ये परफेक्ट है. आप इसमें पानी डालेंगे. पानी आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ले सकते हैं. बस आप इतना ध्यान रखिए कि हमें इसका टफ डो तैयार करना है. पिनव्हील समोसे के लिए डो रेडी हो गया है. अब हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे. जब तक ये रेस्ट कर रहा है हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं. इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है. इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल. ऑयल के गर्म होते ही इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च. अब मैं यहाँ पर 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ. मिक्स कर देंगे अच्छे से. अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 पिंच हींग. अब इसमें मैश्ड पोटैटोज डालेंगे. क्वांटिटी में ये 4 पोटैटोज हैं. अब डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे. मिक्स कर दें अच्छे से. अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक. नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बट ध्यान रखें नमक थोड़ा कम लें क्योंकि डो में भी हमने नमक ऐड किया था और आगे भी थोड़ा सा नमक ऐड करना है. अब मैंने यहाँ पे डाला है रेड चिली पाउडर. अब इस तरह से बीच में स्पेस करते हुए 1 चम्मच बेसन डालेंगे. बेसन को आप ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, उससे इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा, बट इस तरह से अगर आप रोस्ट करेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा नटी फ्लेवर आएगा. अब बेसन को अच्छे से आलू में मिक्स कर दें. स्टफिंग रेडी है. गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है. हमारे डो ने भी अच्छा खासा रेस्ट कर लिया है. एक बार इसको अच्छे से 2 मिनट के लिए दोबारा से नीट कर देंगे. अब इस डो को एक प्लेन सरफेस पे निकाल के अच्छे से चिकना कर लें और इसको 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर लें. अब इस तरह से आपको डो की लोई तैयार करनी है. अब इस तरह से डस्ट करते हुए इस लोई की हमें बड़ी सी चपाती बेलनी है. इस स्टेज तक आपको ये बेल लेना है अच्छे से. अब एक स्पून की हेल्प से तैयार स्टफिंग को हम इस तरह से इस चपाती पे स्प्रेड कर देंगे. स्प्रेड आपको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है. अच्छे से दबाते हुए आपको पतली सी लेयर पूरे में स्प्रेड करनी है. कॉर्नर्स में भी स्प्रेड कर देंगे इसको अच्छे से. तो इस तरह से आपको पूरी चपाती पे आलू की स्टफिंग को स्प्रेड करना है. तो अब इसमें डालेंगे कुछ धनिया के पत्ते. अब आपको हल्के हाथों से इस चपाती का टाइट सा रोल तैयार करना है. तो आप इस तरह से हल्के से रोल करते जाएं और उंगलियों से इसको दबाते भी जाएं. अब कुछ सेकंड्स के लिए इस तरह से रोल कर लेंगे इसको, जिससे इसके अंदर की जो स्टफिंग है वो पूरे में इक्वली स्प्रेड हो जाए. तो अब हम एक शार्प चाकू लेंगे और इस तरह से इसके स्मॉल पीसेस कट कर लेंगे. ध्यान से आप हाथ से दबाते हुए कट करें. अब हम इन पीसेस को इस तरह से फ्लैट कर लेंगे.
तो पिनव्हील समोसे काफ़ी हद तक तैयार हैं। इस तरह से सारे पीसेस को हम फ्लैट कर लेंगे। डो के दूसरे पार्ट्स के साथ हम सेम प्रोसेस से सारे पिनव्हील समोसे रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से सारे पिनव्हील समोसे मैंने रेडी कर लिए हैं। अब एक बाउल लेंगे, इसमें डालेंगे 1 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर की जगह आप अरारोट भी ले सकते हैं। नमक डालेंगे इसमें। अब मैं 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ सिर्फ कलर के लिए। अब इसमें पानी डाल के इस तरह का घोल तैयार कर लेंगे। अब हम गैस को ऑन करेंगे। 2 कप ऑयल डालेंगे कढ़ाई में। गैस का फ्लेम मैंने अभी मीडियम पे रखा है। अब मैं इस तरह से एक पीस ले रही हूँ और इसको इस घोल में अच्छे से डिप करके फ्राई कर दूँगी। इसी प्रोसेस के साथ आपको सारे पीसेस फ्राई करने हैं। ऐसा करने से ये समोसे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। इस स्टेज पे गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको हम क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। बीच में आप इसको चलाते रहें और इनको पलटते रहें। अब ये पिनव्हील समोसे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। हम इनको ऑयल से रिमूव कर लेंगे। ये देखिए इनमें कितना अच्छा कलर आया है। तो सेम प्रोसेस के साथ अब बचे हुए समोसे भी फ्राई कर लेंगे। तो पिनव्हील समोसे अब सर्विंग के लिए रेडी हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।